सो हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिसकस अबाउट द ई आई ए आई ए स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमेंट सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अससमेंट क्या होता है इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ सो फॉर एग्जाम्पल ये आप हो ठीक है ये कोई भी बंदा एक्स है एनी पर्सन ठीक है इस बंदे को एक केमिकल फैक्ट्री खोलनी है ठीक है इसको क्या करनी है एक केमिकल फैक्ट्री खोलनी है अब ये जो ये केमिकल फैक्ट्री खोलेगा ना अब इसको क्या लेना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंपनी खोलने के लिए गवर्नमेंट की साइड से उसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा फ्राम द गमेंट साइड कि मतलब देखो ये उसने जो केमिकल इंडस्ट्री खोली है अब इसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स होंगे इन्वायरमेंट के ऊपर मतलब इस केमिकल फैक्ट्री से जो धुआँ निकलेगा वो एयर को पल्यूट करेगा इस केमिकल फैक्ट्री से जो इफ्लुएंट निकलेगा जो वेस्ट इफ्लुएंट है वो ये पानी के अंदर जो डम्प करेंगे तो उससे वाटर पल्यूशन होगा सो so, यानी कि इसका जो केमिकल इंडस्ट्री है जो ये खोलने वाला है जो इसका प्रोजेक्ट है उससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचेगा इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा एंड जो इस फैक्ट्री के आसपास लोग रह रहे, रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी उनको भी हेल्थ इश्यूज होंगे सो किसी भी प्रोजेक्ट को खोलने से पहले हमें गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि मतलब जो मैं ये प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ ये जो इंडस्ट्री में खोल रहा हूँ ये इन्वायरमेंट के रूल्स को इन्वायमेंट नॉर्म्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा तो अगर गवर्नमेंट की साइड से ओके okay, आपको मिल जाता है अप्रूवल मिल जाता है तो आप ये इंडस्ट्री खोल सकते हो अदरवाइज आप नहीं खोल सकते हो सो दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं दैट इज़ ये जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है गवर्नमेंट की साइड से परमिशन है इसी को हम बोलते हैं ई आई ए विच इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसके अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हो यू आर इवेल्यूएटिंग सो इवेल्यूएटिंग एंड एस्टिमेटिंग 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 द इम्पैक्ट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट ठीक है तो आपके प्रोजेक्ट की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट के ऊपर So, that is environmental impact assessment. It is the process of evaluating and estimating the impacts on the environment. So, let us now come on to the definition. It is an important management tool for ensuring optimal use of natural resources for sustainable development. It is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed. प्रोजेक्ट और डिवेलपमेंट टेकिंग इन टू अकाउंट इंटर रिलेटेड टू शोशो इकोनमिक कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बेनिफिशियल एंड एडवर्स ठीक है तो जो भी आपने प्रोजेक्ट आप खोल रहे हो कोई लाइक केमिकल फैक्ट्री खोली है या एक न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कोई डैम बना रहे हो या कोई थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट के ऊपर उन उसके आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर क्या हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं तो उसके हमें यहाँ पर एनालिसिस करते हैं एस्टिमेट करते हैं उन इम्पैक्ट्स को एंड इसको हम बोलते हैं इन्वामेंटल इम्पैक्ट असमेंट अब हम स्टेप्स देखते हैं पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि ई आई ए जो है वो किस तरीके से होता है और इसके क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं तो सबसे पहले होता है प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन प्रपोज़ल आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आप का जो प्रोजेक्ट है वो किस लिए है जो भी आपका प्रोजेक्ट है एनी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट क्या है मतलब कि फॉर एग्जांपल आप एक केमिकल फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो एक डैम बनाना चाह रहे हो या माइनिंग की साइट है वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है उसका पहले हम देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है उसके बाद उसकी होगी स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में ये देखा जाएगा कि उसके लिए या रिक्वायर्ड है या नहीं है ई ए करवाना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो स्क्रीनिंग में हम वो चेक करते हैं कि वेदर ई आई ए इज़ रिक्वायर्ड और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर रिक्वायरमेंट नहीं है ई आई ए की तो आप मतलब कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है आपका जो जो भी प्रोजेक्ट है अगर ई आई ए रिक्वायर्ड है तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे स्कोपिंग स्कोपिंग में हम क्या देखेंगे सो so, यहाँ तक आपको समझ आया पहले स्क्रीनिंग में क्या होता है स्क्रीनिंग इज डन टू डिटरमाइंड वेदर और नॉट अ प्रपोजल शुड बी सब्जेक्टेड टू ई आई ए आई ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और अगर होना भी चाहिए तो एट वट लेवल ऑफ डिटेल इट शुड बी सो देन वी हैव द स्कोपिंग स्कोपिंग में आप ये देखोगे कि जो ई आई ए का स्टडी है उसका क्या टाइम लिमिट होना चाहिए और उस स्टडी का क्या स्कोप होने वाला है and it has to be done by the consultant of the project then we have the impact analysis impact analysis ka matlab hota hai ki jo aapka project hai suppose karo aapne chemical factory ho li thi to uske kya positive effect honge aur kya negative impact hoga positive impact तो ये होगा कि उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा उनको employment मिलेगा Negative impact ये होगा कि वहाँ पर मतलब आपको दोनों सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा जैसे मैंने इन्वायरमेंट के ऊपर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट बताया था कि उस केमिकल फैक्टर की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा था वाटर पोल्यूशन हो रहा था सो so, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखे जाते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखी जाती है कि इम्पैक्ट का एनालिसिस किया जाता है ओके सो इट इज़ द इम्पैक्ट प्रिडिक्शन लाइक जो भी आपके कन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यू हैव टू कंसिडर दी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोशल पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या कन्सिक्वेंसेज होंगे देन वी हैव द मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट मिटिगेशन का मतलब है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर उसको हम कैसे कम कर सकते हैं कैसे हम उसको कम कर सकते हैं कर सकते हैं दैट इज़ द मिटिगेशन ठीक है तो मिटिगेशन के अंदर हम वो मेजर्स क्या क्या मेजर ले सकते हैं टू अवॉइड, टू रिड्यूस और टू कंपनसेट और टू क्योर और टू रेमिडी फॉर एनी सिग्निफिकेंट एडवर्स इफ़ेक्ट कि आप मान लो कि आपकी जो कंपनी है उससे बहुत धुआँ निकल रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं इन द इन्वायरमेंट तो आप बोलोगे कि मैं वहाँ पर चिमनी लगा दूँगा या एयर फिल्टर्स का यूज़ कर लूँगा और अगर आप कह रहे हो कि आपके फैक्ट्री में से वाटर निकल रहा था केमिकल्स आप वाटर बॉडी के अंदर डंप कर रहे थे तो आप बोलोगे कि इसको मैनेज करने के लिए मैं वाटर को पहले ट्रीट जो मतलब मेरे केमिकल्स हैं उनको मैं पहले ट्रीट कर लूँगा और उसके बाद वाटर बॉडी के अंदर हम डिस्पोज करेंगे तो इस तरीके से मिटिगेशन का मतलब है कि आप क्या मेजर्स लोगे टू अवॉइड टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट ठीक है ताकि जो आ, आपका जो भी इम्पैक्ट था एडवर्स इम्पैक्ट है आप उसको अवॉइड कर सको आप उसको मिनिमाइज कर सको देन ई आई ए रिपोर्ट आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ठीक है मतलब जिस भी बंदे ने आ, प्रोजेक्ट है जिस भी बंदे का वो एक ई रिपोर्ट तैयार करेगा उसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा कि जो मैं प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ इससे क्या क्या लोगों को बेनिफिट होगा मतलब लोगों को रोज़गार मिलेगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इसके क्या क्या इम्पेक्ट होगे इन्वायरमेंट के ऊपर और मैं इस इम्पेक्ट को इन एडवर्स इफ़ेक्ट्स को इन एडवर्स इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए अवॉइड करने के लिए मैं क्या क्या मेजर्स लूँगा तो वो सारा वो अपनी ई आई ए रिपोर्ट के अंदर मैंशन करेगा उसके बाद है रिव्यू अब रिव्यू में हमारा पब्लिक इन्वॉलमेंट है यानी कि अब पब्लिक हियरिंग होगी सो क्या की जाती है पब्लिक हियरिंग यानी कि सपोज़ करो कि उस बंदे ने जो फैक्ट्री खोली थी उस फैक्ट्री के एक किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग रहते हैं उनको बुलाया जाएगा उनकी मीटिंग होगी एंड उनका भी कंसर्न जो है उसको अंडर कंसिडरेशन लिया जाएगा कि उनके हिसाब से ये फैक्ट्री सेटअप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि क्या उनको कोई हेल्थ इश्यूज आएंगे या नहीं क्या वो ओके okay हैं उससे मतलब हम पब्लिक कंसल्टेशन ले रहे हैं टू तो इंश्योर द पब्लिक व्यूज आर कंसिडर ठीक है कि पब्लिक के व्यूज़ भी हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो यहाँ पर पब्लिक हियरिंग होगी एक किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई जगह खाली है जो भी सूटेबल जगह है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करा जाएगा एंड वो जो प्रोजेक्ट है उसका आइडिया उनके सामने रखा जाएगा उसके बाद होगा डिसीजन मेकिंग जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं फिर जो भी इन्वायरमेंटल ऑफिशल्स हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स हैं स्टेट लेवल पर सेंटर के जो स्टेट या सेंटर पे जो ऑफिशल्स बैठे हुए हैं फिर वो क्या करेंगे डिसीजन लेंगे ठीक है डिसीज़न लेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अब ये जो डिसीज़न होता है ये इम्पैक्ट असमेंट अथॉरिटी लेती है सो so, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आगे प्रोसेस चलेगा अगर नहीं अप्रूव होता मतलब जो वो प्रोजेक्ट था ई रिपोर्ट थी अगर वो अप्रूव नहीं होती है तो उसको वापस दे दिया जाता है जो भी हमारा प्रोजेक्ट का बंदा था उसको हम वापस दे देते हैं और फिर वो रीडिज़ाइन और रीसबमिट किया जाता है लेकिन अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है मतलब कि उसको बोल दिया जाता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट जो है या ये रिपोर्ट जो आपने सबमिट करी थी वो अप्रूव्ड हो चुकी है तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो फैक्ट्री लगाने के बाद भी अब एक और चीज़ होती है मतलब फैक्ट्री तो लगा ली उसके बाद ऐसे ही नहीं मान जाते पोस्ट मॉनिटरिंग होती है मतलब उसकी फैक्ट्री जो है वो खुल चुकी है एंड फैक्ट्री खुलने के बाद में अब वहाँ पर पोस्ट मॉनिटरिंग की जाती है कि जब इसने मतलब उस बंदे ने फैक्ट्री शुरू कर दी अब देखा जाएगा कि क्या उसने अपनी ईआईए रिपोर्ट के अंदर सही इंफॉर्मेशन दी थी कि क्या उसकी जो फैक्ट्री है उसमें कोई पोल्यूशन एजेंट्स जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं इन्वामेंट को क्या क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है क्या उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हो रहे हैं और जो उस बंदे ने बोला था कि मिटिगेशन वाले स्टेप पे कि मैं ये ये अपना जो है मेजर्स लूँगा टू मिनिमाइज़ द एडवर्स इफ़ेक्ट मैं चिमनी लगाऊंगा मैं अपने जो इफ्लुएंट है उसको प्री ट्रीट करूँगा और उसके बाद वाटर बॉडी में डंप करूँगा तो क्या वो स्टेप्स ले रहा है या नहीं ले रहा है क्या वो मेजर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो उसकी पोस्ट मॉनिटरिंग की जाती है एंड उसके बाद होता है ई आई ए ऑडिट एंड ईवेल्यूशन सो ऑडिटिंग मतलब कि मॉनिटरिंग की जाती है uh, कुछ ऑफिशल्स वहाँ पर जाते हैं इन्वायरमेंटल ऑफिशल्स या जो गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि सही तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है मतलब जो एक्चुअल uh, आउटकम क्या आ रहा है और प्रडिक्टेड आउटकम्स क्या थे उसको कंपेयर किया जाता है एंड वो इफेक्टिवनेस चेक की जाती है ऑफ द मिटिगेशन यानी कि मिटिगेशन मैंने आपको पहले भी बताया था मिटिगेशन मतलब कि मेजर्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट जो लिए जा रहे थे कि क्या वो लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं तो ऑडिटिंग जो है दैट इज वेरी वाइटल स्टेप इन द ई आई ए प्रोसेस और सेकेंड केस में अगर मतलब अप्रूव्ड नहीं होता है तो उसको वापस से ये सारे स्टेप्स दोहराने पड़ेंगे उसको अपना ई रिपोर्ट जो है वापस से सबमिट करनी पड़ेगी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा रीसबमिट करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट फिर जाके मतलब ई आई अप्रूवल ज़रूरी है अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट खोल रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करें या कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए ई जो है आपका होना चाहिए आपके पास अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से सो आई थिंक नाउ यू गॉट इट ई आई ए क्या है इट इज़ बेसिकली इवेल्यूएटिंग एंड एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑन द इनवायरमेंट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे